है, इसका क्या मकसद है? मैं सबसे पहले तो मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और कुल मिला के मैं कहूँगा जो गुपकार अलायंस बना हुआ है, एक एंटी डेवलपमेंट अलायंस जिसको मैं कहता हूँ, मैंने पहले भी उसको एंटी डेवलपमेंट अलायंस कहा है और आज भी मैं कहता हूँ कि गुपकार इज़ एंटी नेशन एंड एंटी डेवलपमेंट अलायंस, क्योंकि यही लोग हमारे स्टेट से जो है वो आर्टिकल 370 या 35A के एब्रोगेशन के लिए जिम्मेदार भी हैं, और आज ये लोग आके कह रहे हैं कि हम 35A और 370 को और स्टेट की जो खसूसी पोजीशन थी उसको वापस लाएंगे, स्पेशल स्टेटस को वापस लाएंगे। अगर आज ये स्पेशल स्टेटस को वापस लाने की बात करते हैं तो उस वक्त ये कहाँ सोए रहे जब हमारी स्टेट को जो है सेंटर ने 370 और 35A एब्रोगेट किया और स्टेट को तोड़ दिया, यूटी बना दिया। उस टाइम इनमें से किसी शख्स के मुंह से जो है वो जुबान तक इनकी इनकी नहीं हिल रही थी। आज अचानक से इनको जब इलेक्शन आए तो 35A और 370 याद आ गया। तो इसके अलावा भी डॉक्टर फारूक साहब जब जम्मू में होते हैं तो उनकी एक अलग जुबान होती है, कश्मीर में जाते हैं तो वो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, और हिंदुस्तान में जब जाते हैं तो वो बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा लद्दाख ऑटोनॉमस स्किल डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसने बीजेपी के साथ अलायंस किया है, और यहाँ पे आके बीजेपी को वो जो है उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये पार्टियां जो है लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं। मेरी आवाम से अपील है कि आप इनके ओछे हथकंडों में आके जो है वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो डेवलपमेंट का दौर शुरू होने जा रहा है। इंशाल्लाह स्टेट में जल्द अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, जब भी इलेक्शन होंगे स्टेट में अपनी पार्टी की गवर्नमेंट आएगी। लोग हमें एट लार्ज ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी पार्टी का दामन छोड़ा थामा है, जो बीजेपी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी बड़ी पार्टियों को छोड़ के वो जो है अपनी पार्टी में आ रहे हैं। मैं हमारे पुंछ से जितने भी लोग आज तक अपनी पार्टी में मेरे साथ जुड़े हैं, इन इंतखाबात में DDC इलेक्शंस में भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम का वेलकम भी करता हूँ अपनी पार्टी में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म आवाम को बहुत आगे तक लेके जाएगा और जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक इनकलाब लाएगा। मैं फिर से मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और फिर से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप जो है, और मैं पुंछ के बाशऊर आवाम से यह अपील करता हूँ कि आप इस बार बगैर गुमराहकुन सियासत के, बगैर तफरकाबाजी की सियासत के, सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जहाँ जहाँ भी वो खड़े हैं वोट दे के कामयाब करें। पुंछ में खासतौर से हमारी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, तो हमारा वादा भी है कि हम आपको बिजली और पानी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, और तालीम जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके अलावा जो लोग BPL से बाहर हैं उनको BPL के जुमरे में लाने की कोशिश लाएंगे अपनी तरक्की के लिए और अपने प्यारों की तरक्की के लिए। इस बार आप अपनी पार्टी के चुनाव निशान बैट पे मोहर लगाएं और जिला पुंछ से बैट को कामयाब करें, और जिला पुंछ से ही नहीं, मैं अपील करूंगा कि पूरी रियासत से अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को मजबूत करें, बैट पे मोहर लगाएं। बैट की जीत आपकी अपनी जीत है, आपकी अपनी तरक्की है, और यही जो है जम्मू कश्मीर की रियासत के आवाम के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो एक जरिया है। इसलिए अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। शुक्रिया।